नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो सर, ये जो ट्रेनिंग हमारी है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस का है। शाम के 5 बज रहे हैं और हमारे साथ करीब 2 बच्चे हैं, अश्वनी एंड सूरज, जो कि ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से बैठ के मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप भी चाहो तो हमारी क्लासेस ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे डैमो क्लासेस का फॉर्म भर दीजिए, एक आध क्लास डैमो लीजिए, अगर ठीक लगा फिर हम आपके आगे ज्वाइन को डिस्कस करेंगे। तो आप जॉब कीजिए, किस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं और सीखिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा वीवीए, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कि फॉर्मेटिंग विद कंडीशंस। किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे आज आपके साथ, एक इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करते हैं कंडीशंस के साथ, राइट। तो डेटा है हमारे पास, अब इस डेटा पर चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशंस, एक पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाव पे आपका फॉर्मेटिंग करता है। ठीक है, देखिए नॉर्मल जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं, तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग में क्या है कि यहीं पे आपने इसको सिलेक्ट किया और फॉर्मेटिंग कर दिया। अब इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे? ये कौन कौन और आए हुए हैं यहाँ पे? सूरज जी आप 2 बार ज्वाइन किए हुए। क्या होता है कि हमें एक हाईलाइट करना होता है जब डेटा हम करते हैं, जब हम डेटा हाईलाइट जब करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में जब डेटा को हाईलाइट करना होता है, तो उस केस में हम इसका इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ओवर टाइम है और मैं चाहता हूं कि ग्रेटर देन 50 जो है, ग्रेटर देन 50 हमारा हाईलाइट हो जाए, या ग्रेटर देन 500 हमारा हाईलाइट हो गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास यहाँ पे आता है न्यू रूल्स, सॉरी न्यू रूल से ऊपर बाकी सब है, हाईलाइट, टॉप बॉटम, डेटा वार, ये सब अलग कैटेगरी है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमें करना है कि हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन 2000 वाले अमाउंट को हाईलाइट कर दें, तो हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन, और यहाँ पे हम ग्रेटर देन 2000 सेलेक्ट कर लें,
जो भी 2000 से ऊपर है वो एक पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर कलर से वो हाईलाइट हो गया। अब मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर कलर से जो हाईलाइटेड हुआ है इसमें मुझे अपना फॉर्मेटिंग डालना है, तो आप यहां से अपनी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो, जैसी फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग यहां से चेंज कर सकते। हाँ कुछ पूछ रहे थे सर? सर ग्रेटर, देखिए जब अमाउंट आप डालते हैं तो आपका टेक्स्ट जो होता है तो टेक्स्ट का एक नंबर होता है, जैसे ओ का एक अलग नंबर है, वी का एक अलग नंबर है, इसलिए नेम भी हाईलाइट हो गया शायद, कुछ ऐसे बैकग्राउंड में कुछ ऐसी क्यूरी है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन इस्तेमाल कर सकते हो, किसी नंबर से बड़ा, किसी नंबर से छोटा, किसी नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी नंबर के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर बचा तो हमने 60 को हाईलाइट करना, तो सिर्फ 60 हाईलाइट होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन में आप सिर्फ नंबर, टेक्स्ट, वैल्यू डाल सकते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, गलत बोल दिया, कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में आप सिर्फ नंबर, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, इसमें हम टेक्स्ट नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर आपको इसमें टेक्स्ट डालना है तो इक्वल टू में सब कुछ आप डाल सकते हैं, नंबर, टेक्स्ट, एवरीथिंग डाल सकते हैं, पर इक्वल टू के साथ एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हमने यहां पे लगा दिया इक्वल टू और मान लीजिए हम दिल्ली देते हैं, दिल्ली, तो ये देखिए दिल्ली वाला आपका हाईलाइट हो गया, बट आपका न्यू दिल्ली का डेटा हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेल वैल्यू है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यू दिल्ली का डेटा भी हाईलाइटेड हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे एंड इक्वल टू नेम आप कीजिए टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां पे जैसे मैंने दे दिया दिल्ली। अब दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट है, तो टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करता है कि दिल्ली टेक्स्ट इस सेल के अंदर में सिंगल हो या किसी और के साथ हो वो उसको हाईलाइट तो करेगा ही करेगा, राइट तो यहाँ पे करते हैं। लेकिन एक चीज और होता है, जैसे मान लीजिए इसमें अब एक क्वेश्चन इसमें आता है, आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन हम कर लें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग नंबर लिखते, नंबर ही मान लीजिए, नंबर लिखते हैं, और इसको हम टेक्स्ट वैल्यू से और यहाँ पे फाइल, मैं चाहता हूँ जो नंबर मैं यहाँ पे डालू इसमें जहां जहां भी है वहां वो सारे हाईलाइटेड, तो इस एरिया को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ मुझे एग्जैक्ट सेल वैल्यू करना है, मतलब इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू डाल ही नहीं सकते हैं, यहाँ किसी का रेफरेंस भी दे सकते हैं, उन्होंने रेफरेंस दिया इसका, तो जैसे ओके करेंगे जहां जहां वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। अब जब चेंज करेंगे तो मैंने 74 किया तो जहां जहां 74 है सारा हाईलाइट हो गया, ठीक है, तो आप अपना सेल रेफरेंस भी इसमें दे सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है डेट ऑपरेशन। जैसे मैंने बोला कि किसी पर्टिकुलर डेट से बड़ा करना है तो हम ग्रेटर देन में जाएंगे और यहाँ पे डेट डाल देंगे, तो उस पर्टिकुलर डेट से जो बड़ा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा,
या किसी पार्टिकुलर डेट से छोटा करना है, लेस देन या दो डेट के बीच का करना है, या एक पर्टिकुलर डेट को हाईलाइट करना है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी आज की डेट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं टुडे में जाके अपना आज का डेट डाल सकता हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूँ कि करेंट सिस्टम डेट हाईलाइट हो, करेंट सिस्टम डेट जो है वो हाईलाइट होना चाहिए, करेंट सिस्टम डेट हाईलाइट हो, ना कि एग्जैक्ट सेट वैल्यू। मतलब जब मैं सिस्टम का डेट चेंज हो तो ये भी अपने आप को चेंज करे। जब भी मैं अपने सिस्टम के डेट को चेंज करूं तो यहाँ हाईलाइटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हम एक डेट ऑकरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ए डेट ऑकरिंग में आइए, यहाँ पे आपको टुडे सेलेक्ट कीजिएगा तो आज का डेट, यस्टरडे, कल का डेट, टुमारो, आने वाली कल का डेट, द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, इस तरह से आप इसका डिफाइन कर सकते। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से आप सिस्टम डेट के साथ कनेक्ट होगा, जब भी अपना सिस्टम डेट चेंज करेगा ये भी अपना डेट ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। अब आती है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सीट है और इस सीट में मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं यहां पे डुप्लीकेट मोबाइल, मतलब एक से ज्यादा मोबाइल नंबर एंट्री करूं, मतलब कि सेम मोबाइल नंबर, तो ये हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो अब इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां डुप्लीकेट वैल्यू होता है। डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जब भी हम नंबर टाइप करेंगे तो आपका डुप्लीकेट वैल्यू जो है हाईलाइट हो जाएगा। मतलब कि जब भी कोई नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट होगी तो दोनों नंबर आपका हाईलाइटेड हो जाएगा, दो नंबर आपका हाईलाइटेड हो जाएगा, सिर्फ एक ही। फिर डुप्लीकेट वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर है, मैंने आपको पढ़ाया, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, equal to text that contain a date occurring and duplicate value. Have any doubt? Okay. Ashwani ji, aapko koi doubt hai? Aapko koi doubt hai? Okay. अब बारी आती है टॉप बॉटम। मान लीजिए कि मुझे इसमें से टॉप 10 ओवरटाइम वाले को हाईलाइट करना है, तो यहाँ टॉप में आएंगे और टॉप 10 सिलेक्ट करेंगे, या टॉप 20 करेंगे, या टॉप 100, कुछ भी डाल सकते हो। टॉप 100 करना है तो टॉप 100 भी कर सकते हो, टॉप 50 करना है तो टॉप 50 भी कर सकते हो, एंड टॉप 5 करना है तो टॉप 5 भी कर सकते हो। तो जो टॉपर होंगे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ अगर हम बात करते हैं बॉटम 10 की, तो आपका बॉटम 10 भी इसी तरह से हाईलाइट हो जाएगा वैल्यू के अकॉर्डिंग, नीचे से एंड ऊपर से दोनों तरह से हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन इसमें टॉप 10% एंड बॉटम 10% दिख रहे हैं, परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब परसेंटाइल फॉर्मूला सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरा था अबव एवरेज। अब देखिए सिलेक्टेड कॉलम का एक एवरेज है कि 1841, ऑटोमेटिकली जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे उसका एवरेज निकालेगा और उस एवरेज से जो अबव होगा उसको हाईलाइट कर देगा।
हाँ बोलिए। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है, तो परसेंटाइल फॉर्मूला जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर में परसेंटाइल का, देख रहे हैं आपको परसेंटाइल। इस परसेंटाइल का फॉर्मूला आपको पढ़िएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आप अबव एवरेज, इसकी एवरेज से आप जो है उसको हाईलाइट कर देगा, बिलो एवरेज, इसकी बिलो जो है एवरेज होगी, मतलब कि एवरेज से कम, 1841 से कम होगा, उस पर ऑटोमेटिकली ये दोनों आपके सिलेक्टेड डेटा का एवरेज कैलकुलेट करेगा, और उस एवरेज से जो अबव होगा उसको हाईलाइट करेगा, जो एवरेज से बिलो होगा उसको हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया डेटा वा। अब मान लीजिए कि इस पूरे डेटा में आपको ये पता करना है कि 530 जो है बॉटम है, मिडल है, टॉप है, क्या है, तो इसका पोजीशन क्या है, क्योंकि तो इतने बड़ा डेटा पे आप चार्ट तो नहीं बना सकते, तो चार्ट की जैसी सिमिलरिटी की जैसी आपको ये जो है डेटा बार दे देगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 480 या 4400 हायर है, लोअर है, मिडल है, क्या है। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा बार क्रिएट करेगा। अगर इसको मैं अलग सिखाऊं दिखाऊं मैं आपको, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार में गए और यहां से मैंने बार। तो जैसे नंबर आपका बड़ा आ रहा है, जैसे बार भी आपका बड़ा आ रहा है, तो आगे चल के डैशबोर्ड्स में या बड़े बड़े डेटा में इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, कि आप उसका जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर के लिए आप बड़ा नंबर दे सकते हैं, ठीक है। समझिए, अब कलर स्केल ही डेटा बार की तरह ही होता है कि छोटे कलर, छोटे वाले नंबर को एक हल्का कलर देता है, जैसे रेड टू ग्रीन, देख रहे हैं ना। रेड टू ग्रीन चल रहा है, तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आइकन सेट्स, देखिए आइकन सेट्स, इसका भी इस्तेमाल सेम तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आप क्या आना है, ठीक है। देखिए आइकन सेट का और भी तो यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्वार्टर वन दे रखा है, यहाँ पे हमने क्वार्टर टू दे रखा है, एंड क्वार्टर एन के सेम मान लीजिए कि 405 है, क्वार्टर टू आपका 455। अब मुझे इसका वेरिएंस निकालना है कि कौन सा महीना बड़ा है, मुझे पता करना है कि कौन सा महीना आपका बड़ा है, मतलब कि किस महीने में सबसे ज्यादा सेल हुई। तो इसके लिए कंपेयरिंग के लिए इसके बगल में इसका डिफरेंशियल और फिर उसके निकालना पड़ेगा कि हम ज्यादा है तो हम थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और आइकन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
सर जैसे बड़ा होगा ये बड़ा हो जाएगा। तो इसमें कंपेयरिंग के लिए सही है ना सर? क्या बोलना है सर? तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब इसमें आप जैसे ये कि आपका क्लियर रूल्स, जैसे कि आप सिलेक्टेड सेल का पूरी सीट का अगर रूल्स जो है जो भी आपने कंडीशन रूल लगाते हैं लगाया उसको क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ क्लियर कर सकते हो। मैनेज रूल्स, इस सीट में जितने भी रूल्स लगे हैं जैसे आपका करेंट सीट सेलेक्ट कर दिस वर्कशीट, उस रूल्स को आप चेंज करना चाहते हैं एडिट करना चाहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे करते हैं। लेकिन जो बाहर चीजें आपने देखा इसको हम कहते हैं जो मोस्ट यूजेस फंक्शंस, ये बेसिक पार्ट है ये जो भी आपने मैंने पढ़ाया। तो मोस्ट यूजेस कमांड आप यहाँ देख रहे हैं, इनके अलावा न्यू रूल्स पे जाएंगे तो आपको कमांड मिलेगा। जैसे कि हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल टू, नॉट टेक्स्ट दैट कंटेन, नॉट कंटेनिंग, तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। दूसरा कि अगर मान लीजिए कस्टमाइज करना हो, फॉर्मूला वगैरह लगाना हो, ये चीजें भी आप न्यू रूल्स में कर सकते हैं। तो एक बार आप इन सबको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए अश्विनी राणा जी, फिर आपको जो है हम कल जो है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास देंगे जहाँ हम बताएंगे कि हम किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एडवांस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। ठीक है।